अस्सलाम वालेकुम सर, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम ज़रा घूमने फिरने के लिए आए हुए थे और मेरे साथ मेरे कलीग भी थे, और ये कि आज इधर आए शकरपड़ियाँ मोन्यूमेंट्स और लोक रस्ता वगैरह के सामने म्यूज़ियम वगैरह देखे, और अभी राइट नो हम आए थे इधर ये इस जगह पे मोन्यूमेंट पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये बंद किया हुआ आज। उसकी वजह ये कि कोई वो काम कर रहे हैं, कोई आप ये कहते हैं कि मेंटेनेंस वर्क जा रही है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो आपसे ज़रा गपशप लगा लेते हैं, तो चलो आज थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से या इंग्लिश इम्प्रूव करने के हवाले से। तो सबसे पहली बात कि आप कोशिश करें कि एक दो दफ़ा जो है टेंसेस को रिवाइज कर लें, अगर रिवाइज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी रीडिंग अगर आप लोग जो है वो इम्प्रूव कर लें, रीडिंग मैक्सिमम करें, कोशिश करें, और रीडिंग में भी सिर्फ ये नहीं कि आपने कॉलम्स पढ़ने हैं या कोई आप कोशिश करें कि ऐसे नावल्स पढ़ें कि जिनमें डायलाग्स पाए जाते हैं, जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे से डायलाग कर रहे हैं, तो वो नावल जो है वो आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आप कॉलम्स पढ़ते हैं तो फिर आपकी जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती है, तो अगर आप नावल्स पढ़ते हैं तो आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि कोशिश करनी है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो लोग हैं आप शौक रखते हैं खासकर या नहीं भी रखते, कोशिश करें कि उनके साथ आप बोलने की कोशिश करें। बाई हुक और बाई क्रुक जैसे भी है, आपसे स्ट्रक्चर मिस्टेक्स भी होंगी, टेंस मिस्टेक्स भी आपसे होंगी और बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन गलतियों की आपने परवाह नहीं करनी। कीप स्पीकिंग, द डे विल कम यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन रिगार्डिंग स्पीकिंग। परफेक्शन तो खैर लाइफ विद ऑलमाइटी, ये तो अल्लाह ताला के साथ है, लेकिन ये कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई भी आप ये कि आप ये कह दें कि ड्रामा देखते हैं इंग्लिश का, कोई इंग्लिश की मूवी देखते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आपने इम्प्रूव करने की नीयत से देखी है तो फिर कोशिश करें कि उसको देखें ना, उसको सुनो, गौर से सुनो, वो अल्फाज की अदायगी कैसे करते हैं, किस अंदाज से कौन सा वर्ड बोलते हैं, और तो अगर सेंटेंसेस आपको अच्छे लगते हैं या वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप कोशिश करें कि उनको रजिस्टर में नोट कर लें, उनको रिवाइज कर लें। इसी तरह अगर हम नावल पढ़ रहे हैं तो उसको भी उसमें से भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे अच्छे विडियम, अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ड्स, वो आप एक अलग फ्लावरी लैंग्वेज बना लें, की फाइल बना लें वर्ड में, और उसमें आप नोट करते चले गए और उसको रिवाइज करें। तो बेसिक चीज़ ये है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को जो है परफेक्ट बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ इसकी साइड इश्यूज़ भी होते हैं जिनको आपने इम्प्रूव करना होता है, साइड आप ये कह दें कि मैटर्स भी होते हैं जिन्हें आपने इम्प्रूव करना होता है, उनमें अगर आप बेहतरियाँ लाएँ, जितना आप रीडिंग करेंगे, गुड रीडर्स आर गुड स्पीकर्स, ठीक है, गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर, ये दीज आर द कीज टू सक्सेस। आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, आप अच्छे रीडर बन जाएंगे, आप अच्छे राइटर भी बन जाएंगे, आपकी लैंग्वेज जो है वो एक मतलब उसमें स्टैंडर्ड आ जाएगा, ठीक है, एक लेवल आ जाएगा उसके अंदर। तो आज के लिए यही इसके टिप्स एंड ट्रिक्स थे, एंड द नेक्स्ट और वोकैबुलरी आइटम्स जितने आप इंप्रूव कर सकते हैं बेटर, तो प्रैक्टिस आपको जो है वो ऊपर लेके जाती है। नेक्स्टिंग प्रैक्टिस जिस कदर आप करेंगे इतने ही आप फ्लुएंट भी होंगे, इतने ही आप जो है वो स्पोकन में अच्छे भी होंगे और रीडिंग में भी इसी तरह आप लोग अच्छे होंगे, आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जिन्होंने एमफिल भी कर ली है, पीएचडी भी कर ली, वो कहते हैं हमने ग्रामर तो कुछ खास पढ़ी नहीं, वजह ये है कि उन्होंने सिर्फ अपना वो जो है ना कि रीडिंग मैक्सिमम की, जब मैक्सिमम वो रीडिंग करते हैं तो उनकी ग्रामर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। ठीक है बेटा।